खरगोन जिले के ग्राम देवली में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय परिसर में वॉल बाउंड्री नहीं होने से कुछ असामाजिक तत्व रात में स्कूल परिसर में पत्ते खेलते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा पाउच खाकर वहीं पर खाली बोतलें फेंक देते हैं, शौचालय को भी गंदा कर देते हैं। शिक्षकों के अनुसार लगभग 250 बच्चे पंजीकृत हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में वॉल बाउंड्री बनवाने के लिए शिक्षक अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। बच्चे शिवराज मामा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वॉल बाउंड्री बनवा दो और चपरासी की व्यवस्था करवा दो, लेकिन इन सबसे बढ़कर गांव में ही रहने वाले लगभग 75 वर्षीय केशव दादा राठौड़ ग्राम पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को आवेदन दे चुके हैं, वॉल बाउंड्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। वॉल बाउंड्री और चपरासी भी नहीं है, रात को कुछ लोग स्कूल परिसर में शौचालय में गंदगी करते हैं। हमारे प्यारे मामा जी से हाथ जोड़ कर विनती करती है कि वॉल बाउंड्री और चपरासी की व्यवस्था की जाए। हाँ सर जी, ये वॉल बाउंड्री की क्या समस्या है? यहाँ हमको पहली से लगाकर आठवीं तक दर्ज संख्या करीब करीब 220 हो गई है ना। यहाँ पर असामाजिक तत्व हमेशा गंदगी कर जाते हैं और दूसरे भी कचरा कर जाते हैं, तोड़फोड़ कर जाते हैं। तो लड़कियाँ भी बड़ी बड़ी है, उसको देखते भी है। हमारे स्कूल के लिए बाउंड्री वॉल की सख्त जरूरत है, वॉल बाउंड्री चाहिए। हाँ, तो आपके स्तर से कुछ प्रयास किया गया इस संबंध में? हमने ग्राम पंचायत को लिख के दिया था। हाँ, तो ग्राम पंचायत ने कुछ किया? ग्राम पंचायत ने आगे कार्रवाई की है। हाँ, अब देखते हैं, वो बोलते हैं कि हो जाएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? राम नारायण पाटिल। कौन से पद पर हैं? मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ और वर्तमान में प्रभारी, 1 से 8 तक का प्रभारी हूँ जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।